Assalamualaikum, मैं सुलेखा अरफात सुलेखास किचन से। तो चलिए आज क्या बनाते हैं, आज बनाते हैं क्विकली इजी झटपट निहारी। आज मैं पैकेट की बना रही हूँ। वैसे मैंने घर के मसालों की भी रेसिपी बनाई है निहारी की, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपके लिए, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटन निहारी बनाते हैं। चलिए, ये है 1 किलो मटन, चर्बी निकाला हुआ है, 2-3 पानी से धो के नितार कर मैंने ये बाउल में डाला है। अच्छा, थोड़े बड़े बड़े पीसेस किए हैं और मैंने यहाँ कैसे गोटियाँ ली है मालूम, आधी गोश्त को मैंने बोनलेस लिया और आधा जो हड्डियाँ और नलियों वाला, पर्टिकुलरली नलियों वाला मैंने लिया है जिसपे थोड़ी थोड़ी बोटी लगी हुई होती है, वो लिया है। आप आपके हिसाब से कोई भी कट करवा सकते हैं और कोई भी गोश्त ले सकते हैं। चलिए, अब एक कुकर के अंदर आधा कप तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल दीजिए और इसे चलाते रहें बार बार और तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। फास्ट आंच पर करिएगा और मैं तब तक बता देती हूँ, मैं यहाँ शान का निहारी ले रही हूँ, 60 ग्राम का है और मैं यूजुअली शान का ही पैकेट मंगाती हूँ। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है और नॉर्मली अवेलेबल भी है मार्केट के अंदर। चलिए, अब मैं यहाँ पर आधा छोटा चाय का चम्मच, जब भून जाता है तो आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो मत डालिएगा। और ये जो शान का पैकेट है ये पूरा मैं मसाले का डाल देती हूँ, वैसे इनके इसमें स्पाइस रहता है। हाँ, चलिए एक बार मिक्स कर लिया, चूल्हा मैंने स्लो कर दिया और ये जो गोश्त मैंने धो के रखा था ये डालकर चूल्हा मैंने मीडियम आंच कर दिया और क्विकली इसे मिक्स कीजिए, नहीं तो हमारा जो लाल मिर्ची का पाउडर अगर आपने भी डाला तो जल ना जाए। चलिए, अब बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और मीडियम आंच पर तब तक फ्राई करें बार बार चलाते हुए जब तक तेल नहीं छूट जाता, 3-4 मिनट लगेगी। जब 3-4 मिनट में इस कदर तेल छूटने लगे तब डाल दीजिए 4 कप पानी और इससे सीटी का, ये कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और 1-2 सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिए। जब 1-2 सीटी फास्ट आंच पर हो जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन 15-20 मिनट इसे पकने दीजिए स्लो आंच पर। अच्छा, अगर आप पतीली में बना रहे प्रोसीजर एकदम सेम रहेगा। आप पानी चाहिए तो थोड़ा सा ये 4 कप के बजाय 5 या 6 कप डाल सकते हैं और इसे ढक कर धीमी आँच पर रहने दीजिए तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटे जितना, स्लो आँच पर पकाइएगा, बट मैं कुकर में पका रही हूँ। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, कुकर का चूल्हा बंद कर दीजिए और उसे रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर 5 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल दीजिए और 2 कप पानी डालकर बहुत अच्छा एक घोल बना लीजिए, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे हैं। और मैंने यहाँ पर भूना नहीं है, आप चाहें तो भून भी सकते हैं, थोड़ा सा तवे पे भून लीजिए या फिर आप इसके बजाय हमारा आटा, ये जो नॉर्मल गेहूं का आटा लेने के बजाय आप मैदा भी ले सकते हैं। तो चलिए, इसे मैं मिक्स करके साइड पर रख देती हूँ। कुकर रूम टेम्परेचर पर आ चुका है तो अब यहाँ पर मैं खोल लेती हूँ और आप देख सकते हैं तेल ऊपर है। और सबसे पहले तो गोश्त चेक कर लीजिए, ये देखिए अच्छे से, बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं दूसरा भी देख लेती हूँ, बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो ऊपर आप जो तेल देख रहे हैं ना, इसको मैं हल्के से निकाल लेती हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, आप जब आटा डालोगे ना ये सारा तेल बिखर जाएगा और जब तेल बिखर जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको सर्व करने में और वो खूबसूरती तो तेल में ही होती है सच बताऊँ तो हमने वैसे भी ज़्यादा तेल डाला नहीं है, बट जो भी आपको ऊपर जितना भी लगे ना वो ले के एक प्याले में निकाल कर उसे साइड पर रख दीजिए, हम एंड में डालेंगे। चलिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए कुकर का और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो आपने जो साइड पर अभी घोल बनाकर रखा है आटे का, उसे सबसे पहले एक बार मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद इसे छानते हुए इसमें डाल दीजिए। अच्छा, मैंने जो ये छन्नी ली है ये बहुत छोटी है तो बेटर ये रहेगा कि आप, इसमें भी हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगेगा। अब आपको थोड़ा सा क्विकली करना है तो नॉर्मल जो हमारी छन्नियाँ आती है ना जिसमें हम चावल वगैरह छानते या कोई भी चीज़ छानते हैं, वो वाली छन्नी से करोगे तो क्विकली हो जाएगा। तो जब आप ये सारा डाल दें तो 1-2 बार इसे बार बार चलाते रहें, क्योंकि क्या ये जब आप आटा डालते हो ना ये वाला मिक्सचर, तो वो नीचे सेटल हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है तो नीचे गोला बन के चिटकने का डर रहता है। तो हमें चाहिए कि इससे ये जो थिकनेस है वो आए हमारे ग्रेवी के अंदर, तो बार बार हमारे जो सालन को है आप बार बार चलाते रहिएगा और 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पर उसे पकने दीजिए। 2-3 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पर मैं इसे साइड पर रख देती हूँ
और पीछे, और वहां का चूल्हा चालू करके स्लो आंच पर रख देती हूँ। और यहाँ मैंने फ्राई पैन डाल दिया है। फ्राई पैन के अंदर आप 4-5 टेबल स्पून असली घी का डालें, आप असली घी ही इस्तेमाल करें, ये याद रखिएगा। और इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करके डाल दें, और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई करें। तब तक फ्राई करें जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक। कुकर देख सकते हैं आप, स्लो पर रखा है, और ये रही हमारी प्याज फ्राई हो रही है। ये वाली छन्नी बोल रही थी, आप जब लेंगे ना तो ये वाली लीजिएगा। चलिए, प्याज जब फ्राई हो जाती है इस तरीके से, तो इसे साइड करिए, और उसी समय आप आपकी जो कुकर है उसे ले लीजिए, इस पर रखिए चूल्हे के ऊपर, चूल्हा स्लो कर दीजिए। और ये जो प्याज जिसमें आप फ्राई कर रहे थे, मतलब जो फ्राई पैन है, उसके अंदर 1/4 छोटा चाय का चम्मच क्विकली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए, क्विकली मिक्स कीजिए और क्विकली उसी समय डाल दीजिए। ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिएगा इन सारी चीज़ों में, और हमारी ग्रेवी में डालकर एक बार चला लीजिए। और ग्रेवी का थोड़ा जो पोर्शन है आप हमारे फ्राई पैन में डालें और उसके अंदर चलाकर डाल दीजिए। अच्छा, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वाला स्टेप है जो आप प्याज में डालोगे बिरिस्ते के अंदर, जो लास्ट में हम करते हैं, वो बहुत ही क्विकली करना है, नहीं तो क्या होगा ना, वो जो असली घी जब आप डालते हैं वो गरम गरम रहता है, उसमें अगर आप लाल मिर्ची का पाउडर डालोगे ना, वो जल सकता है, ज़्यादा फ्यू सेकेंड्स रह गया आपसे, तो क्विकली करना है आपने वो। चलिए, अब यहाँ एक वे मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो तेल आपने साइड पर रखा था, ये सारा इस समय डाल दीजिए, ढाक दीजिए और स्लो आंच पर तकरीबन 10-15 मिनट पकने दीजिए, क्योंकि हमने आटा डाला है तो वो भी पकना चाहिए ना। चलिए, 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने कर दिया चूल्हा बंद, और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए तेल आ गया ना ऊपर। तो वो एक तरीका है कि आप तेल निकाल कर फिर बाद में दम पर रख रहे हैं 10-15 मिनट के लिए, तब आप तेल डाल सकते हैं। या दूसरा वे मैं आगे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आधा तेल डाल दिया और आधा रहने दिया था, मैंने टेस्ट किया, बहुत ही मज़ेदार है। अब इसे गर्मा गर्म आप एक प्याले में निकालें क्विकली, और चाहे तो रोटी, पराठा, फुलका, बटर नान, बटर नान के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे बटर नान की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, उसके साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ये जो रेडीमेड मसाला था ना, इसके अंदर निहारे वाले में सारी चीज़ डाली हुई होती है, तो मैंने लाल मिर्ची का पाउडर जो डाला है वो ऑप्शनल था, थोड़ा सा स्पाइसी इस समय हो जाएगा, आप टोटली स्किप कर सकते हैं। जो स्टार्ट में जब गलाने के टाइम पे हमने डाला था गोश्त के टाइम पे, आप वो टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन एंड में जब आप प्याज के साथ बिरिस्ता करते हैं तब आप डालिएगा, क्योंकि ऊपर जो ये तरी है ना उसी से ही और ज़्यादा बेहतर आएगी। अच्छा, अब आप इसको जो साइड पर मैंने रख दिया था, अगर आपने वो वाला स्टेप नहीं किया है कि आपने तेल सारा डाला नहीं है उस समय, तो यहाँ इस तरीके से आप डाल सकते हैं बचा हुआ तेल, तो देखिए तो खूबसूरत लगता है ना इस तरीके से। अब इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ी सी लंबी लंबी कटी हुई अदरक डाल दें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कि कोथमीर डाल दीजिएगा, और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो हरी मिर्चियाँ मत डालिएगा, और जो स्टार्ट में हमने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है वो भी अवॉइड कीजिएगा। कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लग रही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप 5 टेबल स्पून का घोल बनाते हो आटे का और उसको डालते हो और पकाते हो 1-2 मिनट फास्ट आंच पर, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कम लग रही है। अगर कम लग रही है तो 1.5-2 टेबल स्पून पानी में घोल बना लीजिए फिर से, और वो उसी समय डालकर 1-2 मिनट उसे फास्ट आंच पर पका लीजिएगा, और जो डिजायर्ड कंसिस्टेंसी मिले तो स्लो आंच करके आगे का प्रोसीजर कीजिएगा। तो है ना क्विक और मज़ेदार रेसिपी, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप बनाए हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार मज़ेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। तो आज की रेसिपी है पाया। आज मैं बता रही हूँ कि पाया क्लीन कैसे करते हैं, साफ कैसे करते हैं। मैं 3 स्टेप बता रही हूँ, आप चाहे तो 2 स्टेप भी कर सकते हैं, और क्विकली क्विकली बनाते हैं। मेरी तो फेवरेट है पाया, मज़ेदार लगती है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिश आज की। चलिए।
यूजुअली मैं पाए को 3 स्टेप में धोती हूँ, क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि पाए को है ना, आप छुरी लीजिए और छुरी की मदद से इस तरीके से स्क्रैप करना चालू कीजिए, और सारे एक एक करके स्क्रैप करते हुए साइड पे रख दीजिए बहुत ही अच्छे से। और अगर इनमें आपको छोटे छोटे बाल दिखे तो कुछ नहीं, चिमटा लीजिए, उसे पकड़िए चिमटे से और डायरेक्टली गैस के ऊपर रख कर ना चिमटे से उलट पलट करते जाए, और उसके जो बाल वगैरह जो भी होगा ना वो सारा निकल जाएगा, जल जाएगा इनफैक्ट। और फिर वो करने के बाद फिर आप यहाँ पर इसे इस तरीके से खुरच लीजिए, जो भी कालापन होगा वो सारा निकल जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये है कि एक बड़े से बर्तन के अंदर आधा कप आटा डालिए गेहूं का, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कि एक थिक घोल टाइप बन सके, और बाकी के ये जो हमने सारे पाए साइड पे रखे ना ये सारे डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे 5 मिनट इसी तरीके से रहने दीजिए, नहीं तो यहीं से प्रोसीजर शुरू कीजिए। लेकिन मैं हमेशा 5 मिनट इसे इस आटे में रहने देती हूँ। 5 मिनट हो जाते हैं तो उसे बहुत अच्छे से मसल मसल के है ना, इसे जैसे कर रहे हैं कि क्लीन कर रहे हैं हम, इसे मसल मसल के आटे में क्लीन कर लीजिए एक एक पाए को लेके। उसके बाद उसी समय आप फिर से छुरी की मदद से इसे साफ करिए, इस तरीके से स्क्रैप करते जाए और साइड पर रखते जाए। ये फिर से एक बार सेकेंड टाइम ये फिर से आप प्रोसीजर करेंगे, और ये जब सारे हो जाए तो फिर से बहुत अच्छे से मसलिए इनको आटे में, और फिर अच्छे से खुले पानी से 2-3 पानी से इसे धो लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तीसरा स्टेप ना ऐसा है कि मैं हमेशा करती हूँ, आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं, बट पहला और दूसरा स्टेप जरूर कीजिएगा पाए के लिए, कितने भी क्लीन चाहे क्यों ना हो। थोड़ा सा मैंने पानी डाला, उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी का पाउडर डाल दिया और उबाल आ जाने दिया फास्ट आंच पर। जब उबाल आ जाए तो ये जो हमारे पाए हैं ये सारे डालकर इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर 2-3 मिनट तक इसे पकने दीजिए, सो दैट वो जो एक स्मेल आती है ना वो इससे चली जाएगी। तो चलिए इसे 2-3 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे छान लेती हूँ और साइड पर रख देती हूँ। तो ये हो गया हमारा क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट। अब आप चाहें तो पाए को डायरेक्टली कुकर में बगा रहे या फिर पतीली में बगा रहे, मैं कुकर में बना रही हूँ। तो ये पायों को कुकर में डाल दीजिए, ये 4 मीडियम साइज की प्याज लंबी लंबी स्लाइस करी हुई डायरेक्टली डाल दीजिए। जी हाँ, ऐसे ही कच्चा डाल दीजिए, खुद ब खुद वो पक जाएंगे इसके अंदर। अब गरम मसाले भी डाल देते हैं, एक बड़ी डंडी दालचीनी की है, एक बादियान है, 2 बड़ी इलायची है काली वाली, ये 8-10 लौंग है, 4-5 हरी इलायची है, 2 बड़े तेज पत्ते हैं, और ये 8-10 काली मिरी है। ये सारे गरम मसालों को डाल दीजिए, नमक भी डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, और 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब यहाँ मैं पानी डाल देती हूँ, 4 कप डाल रही हूँ, क्योंकि वो जो पाए है ना वो छोटे से बकरे के थे। अब अगर आपके नॉर्मल बकरे के पाए हो ना 4, तो आप 5 कप पानी डालिएगा, मैंने 4 कप पानी डाला। एक बार चला लीजिए और इसे ढक्कन ढककर फास्ट आंच पर 6-7 सीटी खिला लीजिए। जब 6-7 सीटी हो जाए तो धीमी आंच करके तकरीबन 15 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। आप पतीली में भी गला सकते हैं, पतीली में प्रोसीजर सेम ही रहेगा, जस्ट दैट ये है कि आप जब ढक्कन ढाक दें और स्लो पर रख दें 1-1.5 घंटे तक पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक ये हो नहीं जाते। जब तक प्रेशर निकल रहा है साइड पर एक प्याले के अंदर नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने थोड़ा सा डाला है, 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर, और 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, 1/4 कप पानी डालकर बहुत अच्छा मिक्स करके इस मसाले को मिक्सचर को साइड पर रख दीजिए। चलिए प्रेशर अच्छा निकल चुका है, चेक कर लीजिए सबसे पहले तो कि पाए गल चुके हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ है ना मेरे जो बकरे थे वो बहुत ही छोटे बकरे के पाए हैं, तो वो बहुत जल्दी गल गए, और आप देख सकते हैं कि प्याज अभी भी दिख रही है, राइट। तो अब मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ इसे किस तरीके से घुलाना है हमारे प्याज को। यूजुअली बड़े मतलब नॉर्मल बकरे के होते हैं ना तो गल जाती है प्याज। अब पहला तरीका ये है कि फास्ट आंच चूल्हा कर दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आए तो बार बार चलाते हुए मीडियम आंच कर दीजिए और इसे पकने दीजिए। 3-4 मिनट तक पकाएंगे ना तो ये प्याज अपने आप घुल जाएगी। आपको दूसरा वे में ये बता रही हूं कि आप ये जो हमारे पाए हैं ना इन्हें एक एक करके नितार कर साइड पर रखते जाएं, और ये जो हमें पानी मिला ये जो स्टॉक मिला है ना इसका, इसे सबसे पहले तो छान लीजिए, और छान कर बहुत अच्छे से है ना ये जो ऊपर जो गूदा बचा है ये तो पूरा प्याज ही है, तो इसे बहुत अच्छा
ये करेंगे ना, मसलेंगे ना, तो पेस्ट ही बनेगा उसका, तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। बट सबसे पहले आप ये सारा पेस्ट बना लीजिए, ये पूरा छान लीजिए मेरा मतलब है, और ये जो पेस्ट जो बचा है उसे हम साइड पर रख देते हैं। अब ये जो स्टॉक मिला है इसे पतीली के अंदर फिर से डाल दीजिए, पायो को भी डाल दीजिए। अच्छा, इस स्टेज पे आप सूप भी बना सकते हैं पाए का। पूछिए कैसे, ऐसे कि ये दोनों चीज जब आपने पतीली के अंदर डाल दी, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, नमक एडजस्ट कर लीजिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है अच्छा स्लो आंच कर 2-3 मिनट ढककर सिमर होने रख दीजिए। अब जब सिमर हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिए प्याले में और गर्मा गर्म पाया सूप रेडी है सर्व होने को। बट हम पाए का सूप नहीं बना रहे हैं, ग्रेवी बना रहे हैं, लेकिन वो वैसे भी थोड़ी सी पतली ही रहती है, गाढ़ी नहीं रहती है। तो अब यहाँ पर जो गूदा मिला है, आपको ग्रेवी कितनी चाहिए? अगर आपको इतनी ग्रेवी चाहिए तो आप एज इट इज गूदे को डाल दीजिए, नहीं तो मुझे थोड़ी और ग्रेवी चाहिए तो मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम पानी डालकर ये वाले सालन के अंदर डाल दीजिए मिक्स करके गूदे के साथ। अभी सालन को मैं पीछे वाले चूल्हे पे रख देती हूँ, फास्ट आंच पर एक उबाल खिलाकर स्लो आंच कर दीजिए। इस बराबर में है ना, मैंने एक फ्राई पैन रख दिया, 6-7 टेबलस्पून असली घी के डाल दीजिए और इसमें प्याज है ना, छोटी प्याज लीजिए या आधी प्याज लीजिए और इसे बारीक स्लाइस करके डाल दीजिए और इसे तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और वो जो मिक्सचर हमने मसाले का बनाकर रखा है वो डाल दीजिए और इसे 2-3 मिनट तक भून लीजिए बार बार चलाते हुए। मैंने उसी समय 1/4 कप जितना पानी चलाकर इसमें डाल दिया है और फिर भून रही हूँ। अच्छा, आप चाहें तो प्याज यहाँ पर मैंने डाली है और अगर आपको डिस्टर्बिंग लग रही है तो आप वो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ मसाले डालकर भून लीजिए। जब अच्छा भून जाए तो क्विकली ये जो हमारी पाए का सालन है इसमें डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो इसे स्लो आंच करके ढक कर 8-10 मिनट पकने दीजिए। तकरीबन मैं तो 15 मिनट पकने देती हूँ क्योंकि स्लो आंच पर ये सारे मसाले एक दूसरे में घुलेंगे, पाए का सूप और मैच्योर होगा और मज़ा आएगा। तो मैं बस यहाँ ढक के 15 मिनट के लिए रहने देती हूँ। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा में कर देती हूँ बंद और इसे गर्मा गर्म मैं सर्व करती हूँ। पाए का मज़ा तो कड़क पाँव के साथ ही है भाई, लेकिन मेरी एरिया में मिलते नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल पाँव को थोड़ा सा मक्खन में रोस्ट करके मैंने निकाल लिया और अब गर्मा गर्म मज़ेदार हमारे पायों को निकाल के मैं प्याले में सर्व करती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा पतला ही शोरबा इसका होता है, अगर आपको कम लग रहा है शोरबा तो आप थोड़ा सा पानी 1/4 जितना गर्म कीजिए, इसमें डालिए, 2-5 मिनट इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए फिर निकालिएगा। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए और आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो ये बन गया हमारे मज़ेदार से बढ़िया से पाए। तो है ना मज़ेदार रेसिपी ये वाली? अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।